तो जो अगला टॉपिक है वो है मैक्सवेल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस शीट को आपको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो चीज़ें इसमें बस दो तीन चीज़ें काम की हैं, बस वो मार्क करेंगे। एज इट इज़ पेपर के अंदर आता नहीं है, ये बस पता होना चाहिए कि मैक्सवेल की थ्योरी क्या है। मैक्सवेल ने काम किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स पे। उसने कहा कि गैसेज हैं या लिक्विड हैं, ये रैंडम मोशन में होते हैं और हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होती। कई मॉलिक्यूल बहुत स्लो मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटीज काफ़ी कम होती हैं। कई जो है बहुत फास्ट मूव करते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पर ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उसने तीन वेलोसिटीज को डिफाइन किया, एक आरएमएस स्पीड, एक एवरेज स्पीड, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हमने भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है और आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ये सीक्वेंस होते हैं और मैंने कहा भी था पेपर में ही आता है। तो उसने ये ग्राफिकल बताया कि एनवी, ये जो वाई एक्सिस है वो एनवी है और ये वेलोसिटी है। एन ऑफ वी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, और ये वेलोसिटी का रेशियो है। तो अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेलोसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो अगर मैं ये पूछूं इसका एरिया क्या देगा आपको, इसका एरिया आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा। तो उसने ये बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पीड की वो कॉन्टिन्यूस ऐसी होती है, एरी, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, फिर ज़्यादा भी होती है, बहुत ज़्यादा भी होती है, फिर कम भी और बहुत ज़्यादा भी होती है, मतलब अलग अलग स्पीड्स अक्वायर करते हैं मॉलिक्यूल्स। बस उसने ये बताया हमें। तो इसके अंदर ये भी बताया कि अगर आपका टेम्परेचर T1 है, थोड़ा कम टेम्परेचर है, तो कम टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी कि स्पीड जो है वो थोड़ी लेफ्ट की तरफ रहेंगी, कम रहेंगी, पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल की, सभी मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो जितने भी जो भी रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज उसको थर्मल एनर्जी मिली हुई है, हीट एनर्जी मिली हुई है, तो ग्राफ थोड़ा राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पहले कम थी, अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल थोड़ी स्पीड के साथ मूव करेंगे, ये ग्राफ ये बताता है। पर लेकिन एरिया अंडर दी ग्राफ दोनों केस में सेम रहेगा, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन सेम। एक तो ये ग्राफ पता होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर और कुछ पढ़ना नहीं है। आरएमएस स्पीड हमने कर ली क्या होती है, एवरेज स्पीड हमने कर ली क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल हमने कर ली क्या होती है, और ये सीक्वेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बता भी दिया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो आरएमएस होती है सबसे बड़ी होती है, फिर एवरेज होती है और फिर मोस्ट प्रोबेबल होती है। क्या फायदा है, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आते हैं कंसिक्वेंस। इसने क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला? तो मैक्सवेल ने रिजल्ट ये निकाला कि जो इवेपोरेशन होती है उसमें इवेपोरेशन पानी में होती है, पानी के मॉलिक्यूल भी रैंडम मोशन में होते हैं जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पानी के मॉलिक्यूल्स की भी सेम स्टोरी है कि किसी पार्टिकल की, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और किसी मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत कम होती है और किसी की एवरेज होती है। तो पानी जो है वो इवेपोरेट होता है और वो किसी भी टेम्परेचर पर होता है, सर्दियों के अंदर भी कपड़े सूखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर भी कपड़े सूखते हैं। तो इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रैंडम मोशन में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। होता क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते हैं, आपसी उनकी फोर्स होती है खींचने की, एक दूसरे को खींच के रखते हैं। अब कोई जब ये रैंडम मोशन में होते हैं तो आपस में टक्कर मारते जाते हैं, कोलिजन्स भी होती हैं। मान लो मैं एक पार्टिकल हूँ और मैंने एक मॉलिक्यूल ने इसको टक्कर मारी, कोलिजन हुई, तो मैंने इसकी एनर्जी ले ली, क्योंकि कोलिजन की एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, तो मैंने इसकी एनर्जी ले ली, तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई, मेरी वेलोसिटी बढ़ गई। अब मैं, क्योंकि एनर्जी शेयर हो गई, तो मान लो टक्कर के अंदर मेरे को फायदा हो गया, इसको नुकसान हो गया कोलिजन में, या इसने मेरे को टक्कर मारी, ऐसे बोल लो, तो कोलिजन हो रही है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर होती है, टोटल एनर्जी रिमेन सेम, हम दोनों में सेम रहेगी लेकिन एनर्जी रीशफल हो सकती है। तो इसने मेरे को टक्कर मारी, मेरी एनर्जी बढ़ गई, फिर दूसरी पार्टिकल के साथ टक्कर हुई, उसने भी, उससे भी मेरी एनर्जी बढ़ गई, मैंने तीसरे को टक्कर मारी, मेरी और एनर्जी बढ़ गई। मैं लोगों की एनर्जी तो डाउन करता जा रहा हूँ, अपनी एनर्जी अप करता जा रहा हूँ। मैं एक टाइम पे इतनी एनर्जी गेन कर गया आप सबसे कि आपकी एनर्जी को तो लो कर गया, अपनी एनर्जी इतनी हाई कर गया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम कर सकता हूँ और मैं उड़ जाऊँगा, इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लूँगा कि इस कंटेनर से ही बाहर भाग जाऊँगा। इवेपोरेट हो गया पानी, वो मॉलिक्यूल भाग गया और बाकी मॉलिक्यूल को ठंडा कर गया, तभी कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो बाकी पार्टिकल ठंडे हो जाएंगे और ऐसे फिर टक्कर होगी, फिर ऐसी एक आध कुछ मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को गेन कर लेंगे और भाग जाएंगे,
तो फोर्सेस को एस्केप कर जाएंगे उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस को और भाग जाएंगे, इवेपोरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? ये मैक्सवेल ने कहा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती नहीं है। कोई पार्टिकल बहुत वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं और बहुत कम एक्वायर कर लेते हैं कोई पार्टिकल, तो इस वजह से ऐसी वेपरेशन हो सकती है। दूसरा उसने कहा कि जो गैसेज हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन अर्थ की सर्फेस पर टिकी हुई हैं, किसी और प्लैनेट पे लेके जाएंगे, हो सकता है वो एस्केप कर जाएं। क्यों? क्योंकि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो जो गैसेस रैंडम मोशन में होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 11.2 कभी नहीं होती, क्योंकि अगर ये 11.2 क्रॉस कर गई तो मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर को और गैस टिक नहीं पाएगी। तो कोई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है और मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन में वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए गैसेस उन प्लैनेट्स पर टिक नहीं पाती क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी को ओवरकम कर जाती हैं और भाग जाती हैं। ठीक है यहां तक? तो ये उसने एग्जांपल दिया कि इसने एक्सप्लेनेशन दी।